टाइम के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। हर डंडे झेलने की ताकत वाला बड़ा बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। चाणक्य नीति कहती है तीन चीजों पर दुनिया चलती है, अन्न, जल और मधुर वाणी। अन्न जल तो ठीक है, लेकिन मधुर वाणी आज की राजनीतिक परिवेश में ठीक वैसे ही है जैसे चुनावी वादे, जिसका जिक्र तो होता है लेकिन पूरे नहीं होते। कई बार संसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, राजनीतिक भाषा की बात होती है, खूब चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन चुनावी वादों की तरह हमारे माननीय जोश जोश में कुछ ऐसा कह देते हैं कि राजनीतिक भाषा का स्तर फिर से चर्चा का विषय बन जाता है। भाषा के स्तर के इसी विषय पर दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर R9 टीवी पर मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की डिबेट का नाम है डंडे का सियासी फंडा। इसके पीछे की एक वजह है, और वजह यह है कि राहुल गांधी के बयानों में डंडे का जोर देखने को मिला है, वरना राहुल गांधी ये दावा करते नजर नहीं आते कि 6 महीने बाद युवा पीएम को डंडे मारेंगे। अब राहुल गांधी को इस भविष्यवाणी की जानकारी कहां से मिली ये बाद की बात है, लेकिन राहुल के बयान के बाद राजनीति में भाषा का स्तर एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। आज इसी डंडे के फंडे को समझने की हम कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे कि डंडे के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या राय है। लेकिन उससे पहले चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको कहते हैं जोश, और जोश के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो अक्सर जुबान फिसल जाया करती है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब भावनाओं के लेवल को समझ रहे हैं ना? युवाओं के लिए दिल में इतनी फिक्र हो गई कि चुनाव भूल गए कि बात प्रधानमंत्री पर हो रही है, और जुबान से जी भरकर जहर उगला, और इसी के साथ सियासत में डंडे का फंडा शुरू हो गया। अब राहुल गांधी तो बोलकर निकल गए, लेकिन राजनीति में दिए गए बयानों को भुनाने की प्रथा भी निभानी होती है, और ये प्रथा प्रधानमंत्री ने सदन में निभाई। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूं। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री ने तो जवाब दे दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। संसद में एक बार फिर सवाल उठा। इस बार बीजेपी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन फ्रंट फुट पर आए, और एक बार फिर हर्षवर्धन ने संसद के पटल में डंडे का फंडे को उठा दिया। एक बार फिर राहुल के बयान पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सवाल उठाए तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये सियासत का खेल ही है, मुद्दों से ज्यादा डंडे चलते हैं। राहुल के दावे में कितना दम है ये तो 6 महीने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन उन 6 महीनों में अब सियासत कहां से कहां जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। R9 टीवी के कुछ सवाल हैं जिनको आपके सामने रखती हूँ। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा जो है वो घूमेगी। राजनीति में गिरते भाषा के स्तर का जिम्मेदार कौन? क्या बेतुके बयानों से नेताओं को फायदा मिलता है? सियासत में मर्यादा की सीमा क्यों लांघ रहे हैं नेता? प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी क्यों?
सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या बेतुके बयान जो हैं वो दिए जाते हैं? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़े हैं उनसे इंट्रोड्यूस आपको करा दूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। बीजेपी के नेता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस से मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पवन सोन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बसपा के लीडर धर्मवीर चौधरी और सपा के लीडर अरविंद कठेरिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय शर्मा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज जी आप ही से समझना चाहूंगी, डंडे का सियासी फंडा क्या है सर? यूं ही बोल गए या इसके पीछे कोई तुक भी है? लावणी जी देखिए, राहुल गांधी जी का बयान जो संसद में आया या किसी रैली में जो दिया गया बयान है उसको आप किसी राजनीतिक परिपेक्ष में न ले। राहुल गांधी का एक भावनात्मक बयान था। उन्होंने क्षेत्र आज देश में जो युवाओं की हालत है, रोजगार की हालत है, उनका सीधा आरोप था कि प्रधानमंत्री जी को जिस चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए या सत्तासीन दल को जिन चीज़ों पर चर्चा और बहस करनी चाहिए उससे वो लोग भाग रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य इतना ही था कि आज रोजगार की चिंता करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करनी चाहिए या सामाजिक सौहार्दता की जो परिस्थितियां जो है आज भारत में खराब हुई हैं उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। राहुल जी का कोई बयान जो है किसी को अपमानित करने का नहीं था और कोई ऐसा बयान भी नहीं था जिस बयान पर इतना लंबा चौड़ा भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक हथकंडा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता सर कि क्या बोल गए और उसके बाद आप जितने अच्छे से जितने सहज ढंग से प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं ताज्जुब होता है कि आपके लीडर ही क्या कुछ कह जाते हैं और आप उनका तात्पर्य समझाते हैं। चलिए, आपका जो ये तात्पर्य है राहुल गांधी के बयान का जो आपने समझाया, धर्मवीर चौधरी और अरविंद कठेरिया आपसे जानना चाहूंगी, ये तात्पर्य समझ में आया सर? क्या यही तात्पर्य आपको भी लगता है कि उस बयान का तात्पर्य यही था, समर्थन करेंगे? श्वेता जी, जिस देश में हमारे बाबा साहब ने आदर्श संविधान दिया है उस देश में संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से वर्जित है और किसी भी व्यक्ति को संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। किंतु जिस तरह हमारे देश में आदरणीय मोदी जी ने अपने सभी नेताओं को अप्रूवल दे रखा है कि आप जगह जगह गोली चलाओ और गोली मारो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिस तरह अभी आपने हाल ही में दिल्ली के चुनाव में देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि इनको गोली मारो और देश के गद्दारों को गोली मारो, जिस तरह से शाहीन बाग के लोगों को ये लोग गद्दार कह रहे हैं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। ये संस्कृति निश्चित रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही परोस रहे हैं और वही संस्कार आज के युवाओं में आ रहा है। और रही बात राहुल गांधी जी के बयानों का, तो उसका मैं खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। इस तरह की भाषा उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, अपना दामन तो आपने बचा लिया और बहुत ही आज आपकी भाषा भी नपी तुली रही सर। यही देख रही थी प्रवेश वर्मा जी, अनुराग ठाकुर जी, तो ये सर, ये अगर ये मंच पर भी ध्यान रखा जाए और सभी राजनीतिक दल इस चीज का ध्यान रख लेना तो इस तरह की डिबेट की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। धर्मवीर जी, भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। धर्मवीर जी, वही तो नहीं होता ना सर, तभी तो इस तरह की डिबेट होती है कि भाषा का स्तर कितना गिरेगा, कहां तक जाएंगे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छूट दे रखे हैं, तो अगर कोई आपको गाली दे रहा है, क्या ये वही गांधी का देश है जहां हम एक थप्पड़ एक गाल पे लगे तो दूसरा गाल बढ़ाना चाहिए? चलिए, आऊंगी सर, चर्चा करूंगी बाद में। नहीं, आपने खंडन किया, चलिए ठीक है। धर्मवीर जी, आप भी खंडन करते हैं? श्वेता जी, ये आपको तात्पर्य समझ में आ गया था कि क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? देखिए, जो एक संसदीय भाषा किसी भी नेता की, मैं राहुल गांधी जी नहीं, कोई भी छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, मैं आपको श्वेता जी बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी इस तरीके के स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में खंडन करती है कि कोई भी नेता का स्तर ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के लिए हो चाहे दूसरे किसी नेता के लिए हो। मैं श्वेता जी आपको बताऊं कि हमारी पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जयप्रकाश जी, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए और राहुल जी के लिए कोई एक ऐसी टिप्पणी की थी जो सही नहीं थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको तत्काल पार्टी से बाहर किया था। तो ये जो भाषा बोली जा रही है, लेकिन ये सब श्वेता जी कैसे हो रहा है? और जब मायावती कहती हैं, 2019 का ही जिक्र करूंगी सर जी, खुद मायावती कहती हैं कि जो खुद अपनी बेकसूर पत्नी को छोड़कर आया हो वो दूसरे की मां बहनों का दर्द क्या समझेगा, ये मेरा कमेंट नहीं है।
नहीं नहीं श्वेता जी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, नहीं नहीं आपने क्योंकि बताया तो मैंने भी एक बात बताई। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आज दामन में सबके दाग है सर। राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, आज कोई नेता छोटा बड़ा महात्मा गांधी को कुछ नहीं समझ रहा है। आज लोकसभा में बैठने वाले नाथुराम गोडसे के समर्थक बन के बैठे हुए हैं, वो महात्मा गांधी के फोटो पर गोलियां चलवाने का काम करते हैं। तो ये जो वातावरण दूषित वातावरण, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, ये सारा दूषित वातावरण राजनीति का इन लोगों ने ही स्टार्ट किया है, इन्होंने ही शुरुआत की है। वो कांग्रेस के लोग, अभी प्रधानमंत्री जी संसद में भाषण दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने 1947 से शुरू किया, नेहरू पर गए, 1973 पे आ गए। अरे भाई आप देश में ऐसे काले कानून लेके आएंगे, आप जनहित के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, इसीलिए किसानों की बात नहीं करेंगे कि डंडे मारेंगे। तो जो ये जो राजनीतिक स्तर जो गिराना शुरू किया है, ये 2014 के बाद में बीजेपी के लोगों ने गिराया है और उसमें कांग्रेस के लोग भी इतने तो यही बात हो गई ना सर कि अगर आप कहेंगे आप हमें गाली देंगे तो हम भी देंगे। ऐसी किसी भाषा का मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं करती है, मैंने स्टेटमेंट सुना दिया 2019 13 मई 2019 मायावती ने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मायावती मीडिया के सामने बहुत कम ऐसे आती हैं, जब भी उनके स्टेटमेंट होते हैं वो मीडिया के सामने आ जाते हैं। 13 मई 2019 सर मेरा रिसर्च कहता है 13 मई 2019 पूरा पढ़ के बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था ये दूसरों की। सर मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना रही हूँ और इसकी पूरी पूरी R9 टीम लेती है। मैं यूं ही नहीं बता रही हूं सर, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूं और आऊंगी चर्चा पे। उन्होंने क्या बुरी बात आऊंगी मैं बता तो रही हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यही तो है सर, यही तो सच्चाई है, यही सच है। चलिए डंडा मारने में, डंडा मारने में प्रधानमंत्री को और एक सच्चाई बयान करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर दूसरे की मां बहन बेटी की क्या इज्जत करेगा जो खुद की बेकसूर पत्नी को, ये पर्सनल मैटर है सर किसी का, ये किसी का पर्सनल मैटर है। और आप किस पद पर बैठे, किस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं? किसी का कोई पर्सनल मैटर नहीं होता। शिवम त्यागी, अगर देश का प्रधानमंत्री का कोई पर्सनल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो आपका कोई भी व्यक्तिगत कुछ नहीं रह गया। आप उसी लेवल पे आ गए, पर्सनल एक स्पेस होता है सर, ये आपको भी पता होना चाहिए। हर किसी इंसान का ये राइट है, राजनीति करने वालों का सार्वजनिक जीवन एक अलग है। उनकी पत्नी उन्हें छोड़ना या नहीं छोड़ना ये एक अलग मैटर है। देश की महिलाओं से उसे जोड़कर देखना ये बिल्कुल गलत बात है। शिवम त्यागी, अगर किसी पीड़ित महिला का पक्ष बहन जी ने लिया है तो आरोप लग रहे जायज बात की है। अगर कोई पीड़ित महिला है, देखिए अब डिबेट दूसरी ओर मत ले जाइए। आप कैसे बताएंगे पीड़ित है नहीं है, समर्थन आप कैसे बताएंगे पीड़ित है कि नहीं है? मुझे अपने पति से प्रॉब्लम है कि नहीं है ये मैं जानूंगी? क्या मैं आपके पास आई हूँ मदद मांगने? क्या बात कर रहे हैं सर? शिवम त्यागी, आरोप ये लग रहे हैं कि प्रोवोकेशन कहीं ना कहीं होता है बीजेपी की तरफ से। स्तर जो है वो 2000, देखा आपने सुना, धर्मवीर चौधरी यही कह रहे हैं, 2014 के बाद से स्तर जो है वो गिरा है। तो अब राहुल गांधी तो बोल गए, लेकिन जिस तरीके से बयान का जवाब संसद भवन के अंदर दिया गया, क्या नहीं लगता कि बीजेपी इसे इनकैश कराने में मतलब महारत हासिल है सर? राहुल गांधी तो बोल गए लेकिन आप उसे इनकैश करा ले गए। राहुल गांधी तो बोल गए, बच्चे हैं बोल गए, कोई बात नहीं, बीजेपी छोड़ दे, है ना? आप ऐसा कहना चाहते नहीं, बीजेपी छोड़ दे नहीं, गांधी अब जो आप चाहते थे वही तो हो रहा है। मुझे भी तो मौका दे दीजिए ना प्लीज। गांधी को मानने वाले लोग और गांधी की बात करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम डंडा मारेंगे, और जिन लोगों को ये गोडसे वाले और गोडसेवादी कहते हैं वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम सूर्य नमस्कार कर अपनी पीठ पक्की करेंगे, मार लेना। अब गांधीवादी कौन है ये तो इस बात से साबित हो जाता है। प्रोवोकेशन की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिटिकल डायस में कोई भी इतना इमेच्योर है जो पॉलिटिकली एकदम किसी भी चीज को इतना पर्सनली ले ले या फिर इतना गुस्से में आ जाए और उसका जवाब उसी भाषा में दे। अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई भी व्यक्ति गलत कहता है, आप आइए मीडिया के सामने एक्सपोज कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि उन्होंने कहा तो इसलिए हमने कह दिया तो हम उनको जवाब दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। इस देश में है, लोकतंत्र है तो कर रहे हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है, अभी धर्मवीर जी कह रहे हैं कि देखिए एक महिला के सम्मान में अगर किसी ने कहा और अगर प्रधानमंत्री जी को डंडे मारने की बात कही तो वो सही है। ये खुद ही बैठकर इस बात को अभी डंडे मारने वाली भाषा मैं बड़ी फुर्सत से सुन रहा था और आप कह रहे हैं अब देखिए लड़ रहे हैं समाज पार्टी भाई, एक एक पॉइंट तो बोलने दीजिए। विचारधारा का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, खंडन करती है। अरे इतनी इंटॉलरेंस किस बात की है, एक एक करके बात कर लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। आप झूठ परोस रहे हैं देश के सामने, एक तो लोकसभा आप झूठ बोले भी और मैं बताऊं भी ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। आप डिबेट में झूठ परोस रहे हैं,
देखिए आपका डंडे मारने की बात उन्होंने खंडन किया है। मैं नहीं चाहता कि शिवम जी डंडे मारने की बात का कहना चाहता हूं कि ये भाषा अगर इस देश के प्रधानमंत्री के लिए है, त्यागी जी ना करें, इस देश में अगर किसी प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा गाली दी गई है तो इस देश के यही प्रधानमंत्री। धर्मवीर जी देखिए फिर से भाषा का स्तर गिरने लगा, आप खानदान पे चले गए, कहीं भी चले जाएंगे जी, कहीं भी जाना, शुरू की स्टेटमेंट हो गई बस बात है, अब उसके बाद हम सच ऐसे ही गालियां देंगे। सावरकर साहब को भारत रत्न दिया जाएगा, अरे इतने महापुरुष हमको दीजिए, एक महावीर को आप भारत रत्न देने की बात करते हैं, सब झूठे हैं ये देखिए, मतलब वीर सावरकर का कंपैरिजन करने लगे किसी से, अरे भैया वीर सावरकर, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं तो आप लोग कैश करा लेते हैं। संजीव सुनील कौशिक जी, ये क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती है? अगर कुछ इस तरह की बयानबाजी आती भी है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसका जवाब दिया गया ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश एक है? चुनावी माहौल में जब चुनाव चल रहा हो और जब इस तरीके के बयान आए तो हर राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना चाहता है। दूसरी बात श्वेता, कहूँगा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप क्या देश को संदेश देना चाहते हैं। यदि सत्ता पक्ष के लोग जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे देश बड़ा अपेक्षा करता है, विपक्ष से अपेक्षा इसलिए नहीं कर हो सकती है कि विपक्ष को तो सरकार जनता ने नकार दिया जी। जब आपने शासन उस ढंग से नहीं चलाया, जनता ने आपको सत्ता में पहुँचाया है, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि हम किस भाषा का उपयोग करें जिसलिए आवाज़ कैसे बाहर से आएगी। तो ये विपक्ष भी कह रहा है तो पुराने बयान भी आप प्रधानमंत्री जी का देख लीजिए, जर्सी गाय किसने कहा, ठीक है 150 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा, ये भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी के साथ नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बार राहुल गांधी ने कहा है, ये बहुत ही गलत कहा है, इसका भी खंडन होना चाहिए। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल को कहा कि आप आतंकवादी हो, केजरीवाल ने भी कहा प्रधानमंत्री के लिए आप देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, जी क्या कहाँ जा रहा है हमारा लोकतंत्र। ये सारे राजनीतिक दलों को बैठ के एक बार मंथन खुद करना चाहिए कि आखिर में ऐसे बयान पा करके आप वोट तो पा सकते हैं, सत्ता तक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र का आप गला घोंट रहे हैं जो वास्तव में इस अपेक्षा के साथ जो आपको वोट करते हैं वो उनके विकास की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रहने ढहने के ढंग की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सत्ता पक्ष भी ये देखे, विपक्ष से अपेक्षा नहीं करे कि आखिर में वो उधर से ऐसे बयान ना आए कि विपक्ष को मजबूर होना पड़े। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, बिल्कुल गलत कहा है, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के लोगों ने चूड़ियां तक भी भेंट की थी, और उस समय कौन से शब्दों का यूज किया था वो हम और आप सारे लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार ऐसा कहा गया है, तब भी असंवैधानिक था और आज भी असंवैधानिक है, तब भी भर्सना मीडिया ने की थी और अच्छे लोगों ने किया था, आज भी वही हो रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी सारे राजनीतिक दलों की बनती है कि ऐसी भाषा का उपयोग करें जिससे कि देश का माहौल न बिगड़े। अजय शर्मा, क्या लगता है सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं, या फिर जबान वाकई में फिसल जाती है? जिस तरीके से राहुल गांधी रैली में बोल रहे थे तो हो सकता है जोश जोश में बात निकल गई हो, लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा तो होना चाहिए जब वो मंच से बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार होता है कि आप पब्लिक फिगर है और आपके ऊपर दायित्व है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका एक एक कहा हुआ शब्द एक तरह से मैसेज की तरह जनता के बीच जाता है। आपको क्या लगता है कि सुर्खियों में बनने के लिए ये राजनीति की जाती है? देखिए श्वेता, सुर्खियों बनने के लिए खैर की जाती है, ये विकसित तो मुद्दा है ही, लेकिन हम पिछले कुछ समय की राजनीति को अगर देखें और समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सारे प्रयोग राजनीति में हो रहे हैं, प्रयोग जो है कई तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, मुद्दों को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि हम दिल्ली के चुनाव को समझने की कोशिश करें, आम मुद्दों से शुरू होता है, राष्ट्रीय मुद्दे में उलझता है, फिर राष्ट्रीय मुद्दे बनाम आम मुद्दे हो जाता है। इसके साथ साथ जो है राजनीति जो है बहुत आक्रामक होती चली जा रही है, और इस आक्रामकता के अंदर जो है राजनीति का स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है, यानी तू तू मैं वाली राजनीति शुरू हो गई, और जिसे कहते हैं घटिया स्तर की राजनीति या द्वयम दर्जे की राजनीति, जिसके अंदर हर तरह की चीज़ें या हर तरह की हदें लांग दी गई हैं, और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारा जो वोट बैंक है वो छिटके नहीं, या फिर जो किसी से नाराज़ हो अच्छा हमारी तरफ आ जाए, तो सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए सब कुछ है। और जिसके अंदर एक चीज़ और देखने के लिए मिली है हमें कि जो एक धुर विरोधी होते हैं या जो वैचारिक विरोधी होते हैं और जो जानी दुश्मन होते हैं, उसके बीच की जो एक लकीर है वो भी मिट चुकी है। हम भूल जाते हैं कौन हमारा क्या है, हमने स्टूडियोज़ को जो है वार रूम में तब्दील होते हुए देखा है, एक दूसरे के ऊपर जो है चीज़ें जो छींटा कसी या जो हम परस्पर हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, वो भी हमने देखा है।
तो ये जो एक प्रयोग हो रहा है राजनीति के अंदर, उसके सबके बीच में जो हमें लगता है कि पब्लिक जो है इसमें इंजॉय कर रही है, कह रही है दिल मांगे मोर, यानी पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक को भी मजा आ रहा है देखने में, लेकिन किस तरह की पब्लिक को देखने में मजा आ रहा है ये भी सोचने वाली बात है। तो ये जो चुनाव है ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, जिसके अंदर ये प्रयोग यदि होता है और तो कामयाब होता है तो आने वाले समय में बहुत ही घटिया दर्जे की राजनीति देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले राजनीति होती थी हमारे देश के अंदर, जो हमारे पुराने बुद्धिजीवी हैं या एक अलग तरह के जो नेता थे वो आते थे, बात करते थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं या आडवाणी जी की बात करूं या मैं राजनाथ सिंह की बात करूं या अलग दूसरी पार्टीज की बात करूं, वो बहुत ही तर्कों के साथ अपनी बात रखते थे। लेकिन आज जो है बहुत ही ओछे ढंग से जो है एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाते हैं, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कातिल हो या चायवाला हो या नाली का कीड़ा हो, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सिर्फ आक्रामक राजनीतिक कार्यक्रम में जोश भरा जा सके। मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छटपटाहट है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, मानसिक रूप से हार है। और कांग्रेस जो है अब वो भी मानसिक रूप से हारी हुई थकी हुई है कि उन्हें वापस कैसे आना है। तो जो एक दूसरे के ऊपर स्लेजिंग से ना छींटा कसी करना क्रिकेट में हम देखते हैं कि मानसिक रूप से एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि राजनीति बिल्कुल इससे विपरीत है। आप बिल्कुल काम रहते हैं, कूल रहते हैं और पहले से आपको पता होता है कि आपको कैसे अपनी चाल चलनी है और सामने वाले कैसे विरोधी उसके बाद क्या चलेंगे, लेकिन अब तो वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। एक दौर था जब अरुण जेटली जीवित थे और कैप्टन अभिमन्यु अमरिंदर से उनकी मुलाकात होती है, ये पार्क का सीन था और उस समय भी इलेक्शन चल रहे थे, सर मुझे याद होगा, सुनील कौशिक आपको भी याद होगा, वो जब मिले थे पार्क में ही हुई, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और वो जब मिले थे, मुलाकात हुई थी, तो दोनों ने हाथ मिलाया था और मीडिया ने उस चीज को भी कवर किया था कि देखिए ये होती है, आप इलेक्शन का टाइम है, चुनावी मोड में है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने सामने ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं तो आप उससे मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे, आप हाथ मिलाते हैं, आप कुछ बातचीत करते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। ये अब देखने को कम मिल रहा है। पवन सोम, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि सुर्खियों में बनने की राजनीति है या फिर अब कोई मुद्दे नहीं रह गए या लगता है कि मुद्दे जनता को लुभा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, उनके वादे लुभा नहीं पाएंगे, इसलिए अब इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहे? श्वेता जी, जैसे आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में बहुत नए नए प्रयोग होते रहे हैं पहले भी, और ये जो प्रयोग का दौर है अब इतने खराब दौर में आ चुका है कि जहां एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता जो अध्यक्ष भी पहले रहे हैं और काफ़ी बड़े नेता उनको कांग्रेस का माना जाता है राहुल जी को, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री, क्योंकि काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है किसी भी नेशन के बड़े नेता की, और इस नेशन के अगर प्रधानमंत्री को अगर आप इस तरह के अपशब्द किसी रैली में अगर आप बोल देते हैं तो आप समझिए कि इंडिया जैसी बड़े देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां किस तरह से एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे, लेकिन इसका आपको एक समझना ही पड़ेगा कि राहुल जी जो हैं वो थोड़ी सी समस्या में हैं आजकल। समस्या क्या है कि जितना भी विपक्ष है उसके पास बहुत सारे एन नंबर ऑफ मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ही बयान दे रहे थे, लेकिन उनकी वाणी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने उस गड़बड़ी में शब्दों के जो चयन था उसमें भी उन्होंने बहुत गड़बड़ी करी और इतने खराब शब्दों का चयन किया प्रधानमंत्री के लिए, इस वजह से पूरा देश आज उनकी आलोचना कर रहा है। लेकिन जो वो मुद्दा उठा रहे थे बेरोजगारी का, वो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये हमें लगता है, लेकिन क्योंकि उसको गलत तरीके से उन्होंने कहा, इस वजह से उसको लेकर के पूरी मीडिया ने और बाकी लोगों ने जो है उसका उठाया। मनोज जी, लेकिन इसको सही तरह से भी बोल देना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं। कहीं ना कहीं तो ये भी लगता है मनोज जी एक बार कि आप और बीजेपी दिल्ली चुनाव में नजर तो आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं छूटती नजर आ रही थी, तो कहीं ये स्ट्रेटजी उल्टी तो नहीं पड़ गई सर? श्वेता जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में जो इतनी संजीदगी दिखाई जा रही है, दरअसल मामला क्या है, आप किसी भी सार्थक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्तासीन दल को कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब आज संसद में वायनाड के ऊपर बोलना है, बेरोजगारी के ऊपर बोलना है, संसद में उसका जवाब देना है, सत्ता को जवाब नहीं है, सत्ता को ध्यान भटकाना है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी का एक बयान आया और राहुल गांधी ने बेरोजगारी के संदर्भ में चर्चा करने की कोशिश करी और उसके पास प्रधानमंत्री जी के पास या सत्ता के पास जवाब नहीं है। एक बात मैं आपको और कहता हूं, जो शुचिता की स्थापना करने वाले लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर,
मुझे लगता है उनको शायद याद नहीं है, कौशिक साहब की बात को मैं कोट करना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े लीजेंडरी रहे और बहुत ही एक परिपक्व राजनेता और देश के प्रधानमंत्री रहे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे उस प्रधानमंत्रित्व काल में उनको चूड़ियां भेजने का जो काम लोग कर रहे थे आज उनको सुचिता याद आती है। आज उनका केंद्रीय मंत्री जो है सरेआम सड़क पर खड़ा होकर के गालियां और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है वो सुचिता की भाषा कर सुचिता की बात करते हैं। राजनीति में सुचिता 2014 के बाद रही कहां? राजनीति को पूर्णतः इन लोगों ने बिल्कुल गलत ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है और आज जितने भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है उसकी शुरुआत और इसका तो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना सर। श्वेता जी समझना पड़ेगा, पहले चौकीदार चोर है फिर माफी मांग ली, नहीं नहीं आप डंडे मारेंगे, आप फिर जब जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, आप यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। श्वेता जी सबसे पहले आया था चाय वाला, एक बात मैं तो राहुल गांधी के उन बयानों को ले रही हूँ जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, खुद राहुल गांधी माफी मांगते हैं फिर ऐसे बयानबाजी करते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता या उनकी स्ट्रेटजी होती है कि दिल्ली चुनाव में कहीं कांग्रेस नहीं है तो इस तरह की बयानबाजी कर दो। जो सुचिता की बात करने वाले लोग हैं जिनको कहते हैं कि भाषाओं का के प्रयोग के ऊपर देश का गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर और गलत और असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करता है वो तो सुचिता की भाषा बात बताते हैं। मैंने क्या बोला? राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला? राहुल गांधी जो है बेरोजगारी की बात करते हैं, राहुल गांधी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और इनको जवाब देने के बदले इनको जवाब नहीं देना है। अब चूंकि चुनाव है बेरोजगारी पर कोई बात करने से मना कर रहा है। रेप इन इंडिया वाले बयान याद है ना सर? रेप इन इंडिया के बयान याद है? रेप इन इंडिया के बयान याद है? चौकीदार चोर है याद है? राजनीतिक विश्लेषक है और आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, मुझे लगता है जवाब आपको सुनना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बोला कि सवाल ये है राजनीति की सुचिता और राजनीति में सुचिता ये स्थापित करने का जिन लोगों ने ठेका लिया है 2014 से उनकी वाणी का जरा देख लीजिए क्यों किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया क्या? प्रधानमंत्री भी कई बार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज अगर संसद में आपने आज संसद का बहस देखा होगा, बिल्कुल देखा। संसद में किस बात पर चर्चा हो रही थी? संसद में वायनाड के मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलना था, राहुल गांधी ने सवाल किए थे। अब उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए चुनावी परिपेक्ष में दिल्ली का चुनाव है हर चीज का फायदा उठाना है, भाई ये तो वोट के व्यापारी है। मैं तो पहले आपके नेता वही तो माइलेज दे रहे हैं। आप शिवम त्यागी आपका बैठे बिछाए काम हो रहा है। श्वेता जी देखिए मनोज जी भी यहाँ बैठकर आपका काम कर रहे हैं। मैं तो ये श्वेता जी आशा करता हूँ हाथ जोड़ के मनोज जी से कि आपने अनइंटरप्टेड 2 मिनट बोला, मुझे गिनती के 45 सेकंड से 46वां मत देना। आप कहते हो हम उनका फायदा उठा रहे हैं बयान का, मेरे बराबर में सोम जी ने कहा कि भाषा देखिए 45 सेकंड मैंने मांगे अनइंटरप्टेड, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ये देखिए आप बिल्कुल तथ्यों पर बोलिए। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप सुचिता की बात करते हैं प्रतिदिन गलत शब्दों का और गलत तरीके से आपके नेता बयानबाजी। जवाब दे दूं आप सुन लेंगे? 45 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। आपने कहा कि सोम जी ने भी कहा कि जो है ये सुचिता के तौर पर ये गलत है और किस तरह से राहुल गांधी जी ने बात की, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा। अब भाई साहब कहां से आते हो, कहां पहुंचते हो, सडनली हिंदुस्तान आके रैली करनी है, वाणी पर कंट्रोल रहेगा कहां से? पता नहीं कौन कौन से पदार्थ होते हैं पीछे। इसके अलावा आप कहते हैं कि आज संसद में बात वायनाड पर होनी थी, वायनाड पर होनी थी बताइए वायनाड पर कैसे चर्चा होगी? बयान आपने दिया, चीजें आपने कही, गलत आप बोल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम मुद्दा ना बनाएं। एक और चीज सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 2014 से पहले आपने कहा राजनीति में सुचिता थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय चाय वाला आपने कहा 2014 से पहले, नाली का कीड़ा आपने कहा, अरे सोनिया गांधी ने कहा मौज का सौदागर, वो विदेश यात्रा पर किस लिए जाते हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? ऐसी बुरा लगा? अरे आपके देश का गृह मंत्री बिल्कुल सड़क छाप ऐसी अपनी इस्तेमाल भाषा है और आप कहते हैं राहुल गांधी नहीं लगी? अरे आप आपको मैंने क्या बोला? अरे भाई अरे सुचिता देश के प्रधानमंत्री के राजनीति में सुचिता शासन बोलेंगे शिवम भाई पहले अपने आप बनेगा अंदर झांकना होगा पहले तो उसके अंदर झांक
किए। कहा ना आपका हर मंत्री गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह अनुराग ठाकुर सड़क पर क्या बोलते हैं? आपने बोला गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जब दूसरा बोलेगा तो लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं आप राहुल, आप राहुल गांधी की तुलना मॉडरेटर का काम चले आए आप राहुल गांधी के लिए, लेकिन आपने नहीं दी। और किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? जाहिर है जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गंगा जल पी कर आए थे, क्योंकि अगर अमृत लेकर आते तो भाषा बहुत अच्छी होती। गलत शब्द कुछ और ही होगा, गलत शब्द बिल्कुल नहीं है। शिवम मतलब आप डंडा मारने की बात करेंगे, आप रेप इन इंडिया करेंगे, आप खून की दलाली करेंगे, आप मौत करेंगे। वो शिवम प्रधानमंत्री ने भी शराब बोला था महागठबंधन को। शिवम 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 तो बनेगा। शिवम 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 एक मिनट मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शराब बोला था। बोला था मेरठ की रैली में उन्होंने बोला था, बिल्कुल बोला था, ये बातें बोली थी बिल्कुल। एक तरह से ट्यूबलाइट में बोल दिया, एक तरह से ट्यूबलाइट में बोल दिया, ये ना भाई क्यों एक तरह से ट्यूबलाइट में बोला सर। एक बात बताइए शिवम, शिवम बोल देना बात। शिवम ट्यूबलाइट का जिक्र क्यों हुआ? क्यों हुआ शराब का जिक्र क्यों हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल? मैं और तो और अंदर नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये बात तो है ना, सत्ता पक्ष में आप हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने खुद को गाली प्रूफ बना लिया है, तो वाणी पे भी तो वैसे ही कंट्रोल होनी चाहिए ना। अगर आपके नेता अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं, प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं, गाली प्रूफ बनाया है हमने 2012 से उठाकर देख लीजिए। इस देश में जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और 2012 से नहीं 2002 से देख लीजिए जिस तरह की भाषा का उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। नाली का कीड़ा, भस्मासुर, इतने सारे शब्द मैं ले नहीं सकता। आज इनको दर्द होता है, ट्यूबलाइट कह दिया तो, और गलत क्या कह दिया? एक काम करिए, अपने किसी स्टाफ से कहिए ट्यूबलाइट को बंद करके फिर से एक बार जलाए, वो थोड़ी देर बाद ही जलती है। अब राहुल गांधी अपने आप को ट्यूबलाइट समझ रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है या मेरे देश के प्रधानमंत्री की क्या गलती है? आप गालियां देंगे, आप चाय वाला कहेंगे, आप मनोज जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मनोज जी यही आज यही दिक्कत है, आज यही दिक्कत है, मुझसे पूछा गया आज यही दिक्कत है, कोई सुनने को तैयार नहीं, और जब जुबान चलती है तो उस पर कंट्रोल भी नहीं रहता। आप अभी थोड़ी देर बैठ के मनोज जी आप अभी डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि उनके कहने का तात्पर्य ये है, वो प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाह रहे थे, और अभी आप फिर हावी हो गए, अभी आप फिर से हावी हो गए। मैं पूछ रही हूँ ना, मैंने पूछा शिवम से कि क्या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का ख्याल नहीं होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खुद को कहते हैं, तो इस बात का ख्याल आपको होना चाहिए। जब आप शिव बने हैं और जहर कहते हैं कि मैं पी रहा हूं, मैं गाली प्रूफ बना रहा हूं, तो फिर शिव की तरह शांत रहिए। फिर आपको इस तरह की चीजों को क्या ये एक पॉलिटिकल फंडा अच्छा, नहीं बनता जा रहा है? शिव दे, मैं पलट के अगर कहूं कि ट्यूबलाइट देरी से जलती है तो दर्द है, ट्यूबलाइट देरी से जलती है, केवल शराब कहा सर आपने? महागठबंधन को आपने शराब बताया, आप कुछ भी कहो वो बिल्कुल ठीक है, जायज है, नहीं, नहीं। वो सुना जाना चाहिए, वो राजनीतिक सुचिता में बहुत सही है। आप इस देश के प्रधानमंत्री को जो चाहिए कह दीजिए, वो सब ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही तो ये बहुत बड़ी, किसी ना किसी को खींचनी पड़ेगी ना, की पूरी कोई राम अब कहां से आएगा, कोई राम कहां से आएगा? अरे कान बेशक राम ने बोल दिए, लेकिन इंसान जो मर्यादा जो रेखा खींच के जाए, किस रेखा को आप लोग पार करें? प्रधानमंत्री चौधरी गलत बोलता, आपने सुना है क्या आज तक? आप कुछ बात करने का सोच रहे हो? आपको बहुत बुरी बात बताता हूँ, आप कुछ भी बता सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? आपको दर्द है? देखिए 1950 की बयान को, मनोज एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री इसको पूरी दुनिया सुन रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गलत बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग, ये बारी बारी से इस देश की 130 करोड़ जनता को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में बैठे बैठे, ये बीजेपी के भाई हमारे शिवम त्यागी बैठे हैं,
इनको समर्पित चार लाइनें लिखी हैं, जरा मैं सुनाना चाहता हूं श्वेता जी। पहले वो वहां से शुरू करना, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम और बापू का उपहास, जो कर सकते देश में वही आज पास, वही पास बस हेंगड़े जी की मानो, चंपारण दांडी को सीन फिल्म का जानो, पूजा प्रज्ञा अनंत गढ़ रहे नव परिभाषा, पूजो अब गोड़ से पूर्ण हो सारी अभिलाषा, पूजा प्रज्ञा अनंत ने गढ़े नए प्रतिमान, राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी बापू का अपमान, बापू का अपमान झूठ जमे ए आजादी, केवल नाटक पात्र भगत सिंह नेहरू गांधी, जलियावाला झूठ की नाटक बार टोली, और भजो गोड़ से नाम सभी को मारो गोली। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, और आज कांग्रेस के लोग इतने तड़फड़ा रहे हैं सत्ता पाने के लिए कि वो किसी को भी डंडे से मारने के लिए तैयार है। तो आप तैयार इतना लिखा उसका जवाब तो शिवम देंगे, लेकिन आप एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने मायावती का जो कोट पढ़ के बताया, और मैं कहती हूँ सर, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, आप हो सपा हो, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लीडर सब तमाम लीडर, क्या एक रेखा, क्या मोहर लगेगी हाथी पर, एक रेखा कौन खींचेगा? भाषा के स्तर की रेखा को खींचने का बयान अभी एंकर ने कोट किया, वो आपको नजर नहीं आता, और कांग्रेस आपको इतनी बुरी लगती है, आज की बात करते हैं, कांग्रेस अगर आपको इतनी बुरी लगती है तो तोड़ दीजिए गठबंधन, तो रामर राज्य चल रहा है, आपने गोट से जो मध्य प्रदेश से तोड़ दीजिए ना गठबंधन, रामर राज्य है, आप बताइए उस बात को, आप गोट से किस तरह से आपने मनुवाद 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 करके जहर फैलाया है इस देश में, आप राम राज्य लेके आने का बात की थी आपने, आज संविधान के रचयिता बाबा साहब की आत्मा भी स्वर्ग में बैठ के रो रही होगी, शिवम त्यागी, छोड़ दीजिए आपके नेताओं के लिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इसमें मर्यादा की रेखा कौन खींचेगा, कौन खींचेगा? अरे आप तो इस देश में सेक्युलरिज्म और इंसानियत को तोड़ देने सबसे नंबर वन है, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले, एक मिनट एक मिनट, ये गोडसे का समर्थकों को राम राज को लिए समर्थन दिया है, एक मिनट बात कर रहे हैं, हम सारे नमस्कार की बात है, नेता जी सूर्य नमस्कार की बात है, सूर्य नमस्कार आपको लिखी है, इनको भारतीय जनता का नारा जो देने वाले लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया कर रहे हैं, मैं इनको बताता हूं, मैंने बताया, आप तो दोनों मित्र ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी तो मित्र ही हैं, एक-एक करके बोलो ना, थोड़ा बेहतर रहेगा, अरे अच्छा से घेर पाओगे, अरे भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से घेर पाओगे, देख रही है पब्लिक, देख रही है जनता, देख रही है कि आप लोगों का भाषा का स्तर क्या है, और एक दूसरे पर आरोप लगा लगा के आप एक दूसरे के, ये वक्तव्य था मनोज जी, यूपी को ये साथ पसंद है 2014 की रैली में, 2014 की रैली में कहा था मुलायम सिंह ने, सुन लीजिए देश के लोगों ने, मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर गोलियां तक चलवा दी, और आप यूपी में साथ निभा रहे थे, आप यूपी में साथ निभा रहे थे, भूल गए क्या? राष्ट्रपिता को आपने किसके साथ सरकार नहीं, अरे उस राष्ट्रपिता के संदर्भ में बनाई, कोई राष्ट्रीयता काश आपको होती, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात नहीं कर रहे, आजकल कांग्रेस सच्चाई है जो स्क्रीन पर दिख रही है, तो ज्यादा अचरज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है, ये देखिए ये सच्चाई है, कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा, सभी बस अपनी बात पूरा कहना चाहते हैं, ताकि उनकी बात कहीं गिरे ना, बस 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 मनोज जी और शिवम जी, प्लीज मनोज जी, हो गया शिवम त्यागी प्लीज मनोज जी, बस सुनील कौशिक जी, मैं बोलना चाहूंगा मैम, श्वेता जी, अजय जी, चलिए मैं सुनील कौशिक के पास जाना चाह रही थी, लेकिन अगर आपको ये दृश्य देख के कुछ लग रहा है, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो आप पहले रख दीजिए, फिर मैं सुनील कौशिक के पास जाऊँ, बोलिए।
कठेरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अरविंद जी, मैं आपके पास आ रही थी सर, मुझे आने भी नहीं दिया। अरविंद जी देखिए, आप कहेंगे कि सपा ऐसा काम नहीं करती, लेकिन सर आपने भी देखा है, अब मैं कोट नहीं करना चाहती, फिर कोट करूंगी, फिर उधर से एक कमेंट आएगा, उधर से कमेंट आएगा, लेकिन सर एक रेखा तो खींचनी चाहिए ना। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व बनता है कि ये जो शुचिता की बात की जा रही है, ये जो मर्यादा की बात की जा रही है, ये राजनीतिक भाषा की बात की जा रही है, एक रेखा, एक लाइन तो खींचनी चाहिए। अब वो राम वो लक्ष्मण तो नहीं आएंगे जिसने सीता के लिए वो रेखा खींची थी, जिसको वो लांग के गई, और पूरी रामायण हम जानते हैं। तो अब कब होगा सर? कैसे भाषा का स्तर ये गिरता जा रहा है? कोई कुछ बोले आपको गाली दे, आप और गाली दीजिए। श्वेता जी, मैं पहले शब्दों में कह चुका हूँ कि आपकी पार्टी में सर और आप मुलायम सिंह यादव को मैं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इस दृश्य को तो कैद करके रखना चाहिए कि भाषा के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के नेता शिवम जी सुनिए, सुनना सीखिए, आप कई बार बोल चुके हैं भाषा के संदर्भ में कैसा माहौल होना चाहिए। सुनिए, सुनना सीखिए आप। नहीं, आप बहुत बोले हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, बड़े भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं। श्वेता जी, आप गोली मार के सम्मान दे रहे हैं सबको, लेकर शिवम मैं मानता हूँ कि गलत बोला गया, लेकिन आज 130 करोड़ जनता में 90 करोड़ जनता भूखी मर रही है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश में हवा बनाए हुए हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, IDBI को बेच रहे हैं, और SBI को बेच रहे हैं, BPCL को बेच रहे हैं, आज लगातार सारी जो हमारे पुरखों ने कमा के रखा था देश में, सारा खजाना लूटे जा रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको लगता है ये मुद्दे हैं, इनको लेकर सड़कों पर आइए ना। प्रधानमंत्री बेरोजगारी और गरीबी पर भी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं क्या करेगा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी पर आने वाले से नहीं, इतिहास के पन्नों में ये सब लिखा जाएगा। आपने प्रधानमंत्री जी ने आपने बेरोजगारी का हो, जो मुद्दे अरविंद कठेरिया उठा रहे हैं वो मुद्दे तो हैं देश की जनता के, वो मुद्दे अगर आपको उठाने हैं, विपक्ष को उठाने हैं, तो उन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने के बजाय कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, या फिर आपकी अगर स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी कह लीजिए, इस तरह की बयानबाजी उन मुद्दों को पीछे धकेल देती है, और इसका पॉलिटिकल फायदा एक सामने वाली पार्टी को मिल जाता है। लगता है सुनील कौशिक शब्दों के जादूगर हैं। 2000 अरे ये भी तो कला है सर, राजनीति इसी को तो कहते हैं। साम दंड भेद, प्लीज हैव पेशेंस। सुनील कौशिक बिल्कुल अच्छे वाली, आप भी सच बनने के बोलना शुरू कर देंगे। अगर भारत में मनोज तिवारी जी, थोड़ा सम्मान करना सीखिए सर। एक मिनट, आपसे मैंने पूछा था सर, या मैं शिवम त्यागी के पास गई थी, दूसरे गेस्ट अगर बैठे हैं पैनल में तो क्या उनको इतना भी राइट नहीं है कि वो अपनी बातों को रख पाए? मीडिया तो आप लोगों के टारगेट पे होती ही होती है। प्लीज शिवम त्यागी, प्लीज,
सुनील कौशिक कंटिन्यू, सुनील कौशिक कंटिन्यू, क्या जवाब देने की कोशिश की है? क्या जवाब? पहले आप इतनी आपकी मधुर भाषा, आपकी मधुर भाषा थी सर, मैं आज से आज का लिंक आपको भेज दूंगी, आप अपनी स्टार्टिंग कमेंट देखिए और अभी की कमेंट देखिए सर। सुनील कौशिक प्लीज कंटिन्यू। बेरोजगारी की बात करी, राहुल गांधी कहां पर ले गया, क्यों बात के ऊपर संसद में चर्चा किया, आपने क्यों नहीं कहा? मनोज तिवारी जो शिवम बोली कहना चाहते हैं, ये मानसिकता इन लोगों की क्यों खान का मीडिया टारगेट करते हैं? मैंने वही लकी वही पिक्चर खींची थी कि स्टूडियो को वार रूम बना दिया है, तू 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 मैं की राजनीति, ऐसी राजनीति किसी को बोलने नहीं देना, कुछ कहने नहीं देना, यहाँ बैठकर जहाँ भी पार्टी की बात रखनी है आप कुछ नहीं होगा, आप बंद नहीं देंगे किसी को भी, अगर मीडिया ने कुछ कहा मीडिया को टारगेट पे ले लेंगे आप, क्यों लेते हैं मीडिया टारगेट? कोई मीडिया को टारगेट में नहीं, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा है यार, टारगेट में नहीं ले रहा है, अभी आपने कहा आप देश के लोग के चौथे स्तंभ में, तो शिवम क्या भी बोल रहे हैं, आप मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बार वापस लेने, मैं बता रहा हूं, आप पत्रकारों मेरी बात का जवाब दीजिए, आप गलत बात आप किया, बिल्कुल सही बात है, गलत बात आपकी, हम से हम ऐसे डिबेट पसंद नहीं करते जिसके अंदर मीडिया को टारगेट पे लिया जाए, कि हमारी तौहीन है पत्रकारों की, आप अपनी बात रखें लेकिन मीडिया को टारगेट पे डालें, माफी मंगवाइए, बिल्कुल सही बात है, बस अजय जी, अजय जी अब देखिए अरविंद जी प्लीज मीडिया पे डिबेट ना आ जाए, आज हम बात कुछ और कर रहे हैं और प्लीज सबको रिस्पेक्ट एटलीस्ट करना चाहिए, गेस्ट पैनल जितने बैठे, सुनील कौशिक मैंने मेरा सवाल सुनील कौशिक जी से अगर परमिशन हो तो जी, नहीं आप अपनी बात रख लीजिए फिर मैं सुनील कौशिक के पास चली जाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में सर, बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूँ, जो आपने शुरू में मुझसे पूछा था मैंने वही बात कही कि जिस तरीके की राजनीति है और जिस तरह भाषा शैली हो चुकी है, जो प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे वो जनसभा में हो, रैली में हो या स्टूडियो के अंदर हो, वो जो है प्रयोग जिस तरीके का है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया स्तर का हो चुका है, अगर ये ऐसा हुआ तो आने वाले समय बहुत ही गंदी राजनीति हमें देखने के लिए मिलेगी, और उसमें पब्लिक के साथ साथ जो है लोगों को भी टारगेट पे, मीडिया को टारगेट पे ले लिया गया है, यदि आपने कुछ कहा तो आप बीजेपी के प्रवक्ता, यदि आपने कुछ कहा तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता, हमने अपने कुछ कहा गाली प्रूफ बना लिया सर, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े ना अपने आपको कवच ले सकते हैं, हमने भी अपने आपको गाली प्रूफ बना दिया, सूर्य नमस्कार तो छोड़ दीजिए शिवम त्यागी, लेकिन ये केवल प्रूफ, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, या ये जो गाली प्रूफ जैकेट होती है, वो केवल प्रधानमंत्री के पास नहीं, मीडिया के पास है। सुनील कौशिक, क्या मैंने, मेरा सवाल था कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे युवाओं के लिए जो मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन ये मुद्दे गौण हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या स्ट्रेटजी के तहत इस तरह की बातें कही जाती हैं। सुनील कौशिक मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या ये आगे आ जाती है या हावी हो जाती है, इसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा सामने वाली पार्टी को मिल रहा है, इसीलिए मुद्दे गौण और फिर उस बात पर चर्चा? देखो श्वेता, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई जी और 2009 तक किस तरीके से देश चलाया, फिर 2009 के बाद 2014 के बीच तमाम आंदोलन देखे गए, अन्ना का आंदोलन हुआ, बीजेपी के तमाम आंदोलन हुए, यदि रिकॉर्ड उठा के देखा जाएगा तो पिछले 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 400 से ऊपर बार बीजेपी ने संसद को चलने में बाधक किया, तो वो जनता के मुद्दे थे, जनता के मुद्दों पर संसद को चलने नहीं दिया गया, लोग ये सड़कों पे थे, आपने देखा होगा कि तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता दिल्ली में सड़कों पे थे, चाहे महंगाई को लेकर के लें, चाहे सिलेंडर को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे थे उस समय, भ्रष्टाचार को लेकर के, तो जब आप विपक्ष आज वो चीज़ खो रहा है, वास्तव में जनता से संबंधित मुद्दों को आप जनता के बीच जाकर के जनता से कहलवाएंगे तो कुछ बदलने का प्रयास इस राजनीति में होगा। तो और क्या इसके पीछे की वजह, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है सुनील कौशिक, क्या इसके पीछे की वजह न्यायालय पे भरोसा है कि बीजेपी न्यायालय पे भरोसा में ज्यादा दिन तक बैठी है? एक मिनट अरविंद जी, सुनील कौशिक, क्या इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी ज्यादा वक्त विपक्ष में बैठ चुकी है तो उसे पता है मुद्दे उठाए कैसे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें कमजोर हो रही है? आप ये बताओ, कल जो डंडे वाला मुद्दा है किस तरीके से प्रेजेंट मोदी साहब ने किया संसद में, अच्छा भी लगा लोगों को, सारी बात और सही बात है, जब वो पहली बार कोई सुनेगा तो उसे सार्केज्म में हंसी ही आएगी, बिल्कुल, तो ये जब जो ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि मुद्दों को कैसे मुद्दा बनाया जाता है, और ये कांग्रेस कोई भी बात करती है तो उसको मुद्दा बनाना बीजेपी पे आता है, ये सीखना पड़ेगा विपक्ष के लोगों को किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के किस तरीके से, बिल्कुल, अब बंदर कौन है, मदारी कौन है, ये तो जनता लड़ाई करेगी, इसमें बंदर बना रहे हैं ना, जनता बन रही है ना, बीजेपी के चौधरी साहब, चौधरी साहब जनता बन रही, हम कह रहे हैं आप भी, आपने भी उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार बनाई है ना, तो आपको जनता पे तो भरोसा होना चाहिए ना, जनता पूर्ण बहुमत की सरकार, आपकी सरकार रही तो उस समय मैं वही कह रहा हूँ, जनता पे जनता पे जब आप निर्णय छोड़ेंगे आप खुद टारगेट क्यों कर, जनता के जो मुद्दे हैं जनता के साथ मिलकर लाइए, इनको घेरिए, आप बीजेपी कहां, सरकार सब कुछ थोड़ी हो जाता है,
अब कठरिया साहब कह रहे हैं सब मुकदमे लगेंगे, लगेंगे मुकदमे, जब राजनीति में आए तो तमाम मुकदमे लगेंगे। क्या बीजेपी वालों ने मुकदमे नहीं खेले? न्यायालय के चौथे स्तंभ में आपको भरोसा है, जनता पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। अरे सुनिए, जनता पे भरोसा है कि नहीं? कठहरिया साहब, जनता पे भरोसा है यार, आपके ऊपर मुकदमे लगेंगे, जनता जिता के सत्ता में आपको पहुंचाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप केवल केवल आप ट्रैप की तरह है कि आप अपने ही कहे हुए बातों में, अपने ही शब्द जालों में कुछ ऐसे फंस जाते हो कि उसके बाद जो मुद्दे उठाने थे, दरअसल उसका तात्पर्य जो है वो नहीं उठाकर फिर सामने वाली पार्टी उस चीज को इनकैश करा लेती है जो उसके पक्ष में। तो ये एक तरह से कोरी राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। इसके लिए तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। पवन सोम, कुछ आप कहना कि आप देखिए कि कल दिल्ली का एक इलेक्शन भी होने वाला है और नेशनल लेवल पे जो ये इस तरह के जो सियासी ड्रामे हो रहे हैं उसका कल पटाक्षेप भी होने वाला है। कल दिल्ली के इलेक्शंस को लेके जो चीजें होनी चाहिए थी पार्टियों में, जो गंभीरता होनी चाहिए थी, वो ना होकर के इन छोटी छोटी और घटिया स्तर की बातों पर हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर हों या पार्लियामेंट के अंदर हों। लेकिन कल जब एक पार्टी, जो मैं सुन रहा था बैठ के, कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती है उन मुद्दों पर जो डेवलपमेंट वाले हैं, बाकी एक भी पार्टी वहां ऐसी नहीं दिख रही थी मुझे कि जो वहां के मुद्दों पर, जो डेवलपमेंट, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर। अजय जी, शॉर्ट में वाइंड अप करना है मुझे, क्लोजिंग कमेंट पॉसिबल? हां, मैं क्लोजिंग वाला सेंटेंस बोल रहा हूं आपसे। जब राजनीति में डिबेट के मुद्दे खत्म हो जाते हैं तब राजनीति में लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं, और जब सामने वाले की पर्सनालिटी या उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है, पॉपुलरिटी होती है, उसकी इमेज को डिफेम करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर वही हो रहा है। अरे चलिए, ये इस पे इस पे इस पे इस पे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर और मीडिया के ऊपर आरोप आ जाएगा, इसमें पूरे टुकड़े मीडिया के ऊपर आ जाएगा। मुझे शो क्लोज करना है, और कभी भी इस तरह की चर्चा जो है जब भी होती है इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए, निष्कर्ष निकालने की कोशिश भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिन हम यही देख रहे हैं कि राजनीति में भाषा का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। अब दिल्ली के चुनाव में डंडे ने एंट्री ली, अब इस डंडे के दम पर क्या नैया पार होगी या इस पार या उस पार, ये तो कल दिल्ली का चुनाव ही बता देगा। जब जनता वोट कर रही होगी तो तमाम ये चीजें उनके दिमाग में होगी, तो सोच समझ कर वोट करें, और कल जो आप बटन दबाएंगे उसका रिजल्ट भले बाद में आएगा, लेकिन कल ही डिसाइड हो जाएगा कि किसे आप सत्ता के सिंहासन पर बिठा रहे हैं। भाषा है, अब देखने वाली बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसका कितना ख्याल रखती हैं आने वाले समय में, और हमें किस तरह की भाषा सुनने को मिलती है, क्योंकि राजनीति में भाषा का कोई अब स्तर रह नहीं गया है। चलिए, आज कोई पॉजिटिव नोट नहीं, लेकिन इसी पॉजिटिव संदेश के साथ शो को यहाँ ख़त्म करूँगी कि आप कल जब भी वोट करने के लिए जब जाएं तो अपने मुद्दों को देखें और उन मुद्दों पर ज़रूर वोट करें। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, हर डंडे जलने की ताकत वाला बना दे। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है।